सामान्य हिंदी की फ्रेंड इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड फटाफट जुड़े हुए वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। यह क्लास आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वयं तो जुड़ेंगे ही साथ वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं यदि उनमें सामान्य हिंदी पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर से इस क्लास में 100% मदद मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग जैसे जैसे जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथियों तक अपने सभी ग्रुपों में। तो पहला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काशी की अस्सी किसकी रचना है। जी हाँ फ्रेंड, ये जो रचना और रचनाकार वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं परीक्षा में, इसलिए ध्यान देंगे आप सभी लोग, थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से करना है कि काशी की अस्सी किसकी रचना है। क्या गोविंद मिश्र की है, संदीप लोटलीकर की है, या काशीनाथ सिंह की है, या भगवान दास मोरवाल की है। जल्दी से बताएं फ्रेंड किसकी रचना है आपकी काशी की अस्सी, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या जवाब है कमेंट सेक्शन में जाइए और सभी साथी जल्द। जी हाँ, काशी की अस्सी की रचना के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी रचना है, फटाफट आंसर कमेंट करके फ्रेंड जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। जैसे जैसे आप लोग जुड़े भी साथी वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो आते भैया क्वेश्चन नंबर फाइव के सही आंसर, इसका जो सही जवाब फ्रेंड काशीनाथ मिश्र। जी हाँ, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, काशी की अस्सी काशीनाथ सिंह। जी हाँ, काशी की अस्सी काशीनाथ सिंह, बिल्कुल सिंपल सा है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें फ्रेंड तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेज प्लस ओमय, तेजा प्लस अमय, तेज प्लस मय, या तेजो प्लस मय। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तेजो मय में विसर्ग संधि है। अब आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है प्लस, तेजो मय में जो संधि प्रयुक्त हुई प्रण वह है विसर्ग संधि। अब आप लोग आंसर करके बताएंगे कि कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है, कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, फटाफट बताइएगा, तेज प्लस ओ मय, तेज है प्लस अमय, तेज है प्लस मय, तेजो प्लस मय, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए आंसर फटाफट। चलिए ए ए ए आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोग सी भी आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो सी वाले साथियों के जवाब सही है भैया, तेज प्लस मय, तेज प्लस मय, बिल्कुल विसर्ग संधि मैंने आपको जैसा कि हिंट दिया था कि विसर्ग संधि है यहाँ पर, तो तेज प्लस तेज प्लस मय, जी हाँ तेज प्लस मय, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड, किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है, आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा किस कवित्री को दी जाती है, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी, सुभद्रा कुमारी चौहान, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रख सकते हैं क्योंकि आधुनिक युग की मीरा यह काफ़ी बार परीक्षा में सीधे तौर से पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर आने आपके प्रारंभ हो गए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगभग लगभग लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। जी हाँ, लगे हाथ एक आंसर आप लोग और कमेंट करेंगे कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, मोस्टली यही प्रश्न महादेवी वर्मा से पूछे जाते हैं, तो आंसर आप लोग कमेंट करिएगा किस रचना के लिए महावीर को यामा दिया गया था महादेवी वर्मा को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के, दिए गए शब्द में हमें अंगना शब्द का जो है अंगना शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढना है, क्या स्त्री होगा, आंगन होगा, पल्लू होगा, या गांव होगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अंगना का समानार्थी शब्द हमको ढूंढना है, फटाफट आंसर कमेंट करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप किसी का भी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड, यामा पर इनको, जी हाँ यामा पर उनको 1978, जी हाँ डेट याद रखेंगे, तिथि तो पूछी नहीं जाती, बट आप आइडिया रखिएगा कि 1978 पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग और एक्स्ट्रा जानकारी करते रहिएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। चलिए छोड़िए, पहला मत बताइए आप लोग, अंतिम बताइए, अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, आंसर कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये आपका करंट भी हो जाएगा, अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। आते इस क्वेश्चन पर तो, जी हाँ आते हैं इस क्वेश्चन पर, सॉरी जी हाँ जी, अभ्यासी होगा ये, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1982 होगा, जी हाँ बिल्कुल 1982 होगा, जी हाँ 1982 में दिया गया था। देखिए इसका जो सही जवाब फ्रेंड विकल्प नंबर बी है, आंगन का जो जवाब फ्रेंड वह विकल्प नंबर बी है, बी द राइट आंसर, अंगना का जो समानार्थी शब्द है वह फ्रेंड आंगन है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी द राइट आंसर, बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, औषधि के, सार के, तत्व के, या जीवन के।
फटाफट आंसर बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्या जल, प्राण, वायु, पुत्र ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? औषधि के, क्षार के, तत्व के या जीवन के? चलिए डी आंसर आ रहा है, कुछ साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं विकल्प नंबर डी। चलिए कुछ लोग सी भी कमेंट कर रहे हैं। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे, सभी साथी वीडियो को शेयर करेंगे, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे हमारे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए बी और डी आंसर आ रहे हैं तो उसी को देखते हैं। तत्व है हमारा, सॉरी सार है और जीवन है, इसी को दो को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, कि जल, प्राण और पुत्र ये सब जा रहे आपके अनाकार्थी शब्द हैं, ये जीवन के हैं। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर, जीवन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। खिली हुई हवा फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अनुप्रास है, संभावना है, उत्प्रेक्षा है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जी हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 51वां अंतिम जो दिया गया है आपका अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है रिसेंटली, अभी जो दिया गया है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी मुस्काई, तो देखिए मैं वाचक शब्द दिख रहा है आप लोगों को, मैंने बताया था कि अलंकार पकड़ने के कुछ ट्रिक होते हैं, यदि आप उसको अपने दिमाग में अगर सेव कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए से सा सी सरिस समान, सी यहाँ पर देखिए वाचक शब्द आया है जो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी हिंदी विकसित हुई 85 अपभ्रंश से, अर्धमाघही अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? यह मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड, यह मजेदार क्वेश्चन है, इसके लिए सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई कहाँ से, 85 अपभ्रंश से, अर्धमाघही अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कमेंट करेंगे। चलिए सी बी भी आंसर आ गया है। चलिए तो इसका देखिए जवाब सी नहीं होगा फ्रेंड, सी वाले का गलत जवाब है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई फ्रेंड अर्धमागधी से, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि जो पूर्वी हिंदी विकसित हुई फ्रेंड वह आपके अर्धमागधी से हुई, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब है। जी हाँ, बी इज राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है, आ उ ओ औ, किस में वृत्तमुखी स्वर प्रयुक्त नहीं हुआ है? आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी साथी जल्दी जल्दी कि किस में वृत्तमुखी स्वर प्रयुक्त नहीं हुआ है, आ उ ओ औ? जी हाँ, फटाफट बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ए। चलिए ए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि जो वृत्तमुखी स्वर नहीं है फ्रेंड वह है आ, आपका वृत्तमुखी स्वर नहीं है, विकल्प नंबर ए इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, अकर्मक क्रिया? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा तब आपकी सारी डिमांडें पूरी होंगी, जब आपकी संख्या बढ़ेगी तो जितना भी चीज़ें आप कहेंगे क्वेश्चन की संख्या कहेंगे तो भी बढ़ा जाएगा, क्वेश्चन को भी और लेवल टफ किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है पहले, सभी साथियों तक पहुँचाना है, इसलिए जब आप लोग ये काम करेंगे तो आपकी भी सारी डिमांड पूरी होंगी, क्वेश्चन टफ भी होंगे, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी और भी सारे परिवर्तन होंगे, नवीनता आप लाएंगे तो नवीनता यहाँ से भी आपको मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके, सी और बी भी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का,
कुछ लोग डी भी आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है, देखिए कि एक अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। जी हाँ, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई। तो पहला देखिए, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल हंस रहा है, मदन गोपाल हंस रहा है। चलिए बी कमेंट कर रहे हैं, सी भी कमेंट कर रहे हैं, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई, अकर्मक। जी हाँ, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर माय फ्रेंड, विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। आगे बात करेंगे, अधुनातन का विलोम है, अधुनातन का विलोम है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम है, अधुना शब्द का विलोम है। देखिए अरवा चिन्ह का होता है आपका प्राचीन, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है, अरवा चिन्ह का प्राचीन होता है और अधुनातन का जो विलोम होता है वह पुरातन होता है। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, अधुनातन का जो विलोम होता है फ्रेंड वह पुरातन होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर, अधुनातन का जो विलोम होता है पुरातन होता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 की, घनिष्ठता। जी हाँ, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर या घनिष्ठतम। अब देखिए यहाँ पर आपका तीन होता है, एक होता है साधारण होता है, एक मध्य होता है, एक उत्तरावस्था होता है। जी हाँ, जैसे आप पढ़ते हैं ना डिग्री आप एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव होता है, कॉम्पलेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। तो घनिष्ठ की शुद्धता, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। आंसर कमेंट करेंगे 11 के लिए। जी हाँ, घनिष्ठतर इज द राइट आंसर। जी हाँ, घनिष्ठतर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर 3। जी हाँ, उत्तरावस्था पूछा जा रहा है, उत्तरा होता है उसके बाद उत्तमा होता है, तो मतलब बीच वाली अवस्था पूछी जा रही है, विकल्प नंबर 3 द राइट आंसर, घनिष्ठतर इसका बिल्कुल सही जवाब है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगर बात करेंगे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का सही अर्थ, यह कहावत का सही अर्थ कौन सा है? किसी कार्य को विशेष, किसी कार्य की विशेष उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हर भक्ति का मार्ग कठिन होता है, या ईश्वर की भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना। बिल्कुल सिंपल सा यह क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप सभी के जवाब सही होने चाहिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का मतलब किसी विशेष कार्य के आए थे लेकिन किसी अन्य कार्य में लग गए, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ए इज राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, छायावाद के प्रतिबिंबवाद किसने कहा था, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कमेंट करेंगे कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था, जल्दी से बताएंगे, छायावाद को प्रतिबिंबवाद की संज्ञा किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे, छायावाद को प्रतिबिंबवाद की संज्ञा किसने दी थी? 13 के लिए आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। चलिए ए आ रहा है, तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड वाई विकल्प नंबर सी, रामविलास शर्मा जी ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद की संज्ञा दी थी, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो आप लोग ध्यान इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी? जी हाँ फ्रेंड, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक, संस्कृत, ब्रज भाषा या खड़ी बोली? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर भी सूरदास का नाम आता है तो तुरंत हम सभी को पता है कि ये ब्रज भाषा के एक उत्कृष्ट कवि थे, जिनकी ज़्यादातर जो रचनाएँ प्रयुक्त हुई वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, जिनमें कुछ है सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, विजय पताका, ऐसी कुछ रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूरदास नंददास की काव्य रचनाओं में जो संग्रह है, जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह है ब्रजभाषा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। छंद कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, आंसर कमेंट करके बताएंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं? चलिए ती सी सी आंसर आ गया 4। जी हाँ, विकल्प नंबर सी कमेंट कर रहे हैं, बी भी कमेंट आ रहा है, जल्दी से आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी साथी, फटाफट कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कि छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं। चलिए सभी जाति, जितने भी लोग लाइव इस समय देख रहे हैं, सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, क्योंकि आप सभी के आंसर जरूरी हैं।
इसी से तो आप सभी लोग अपने स्कोर को मैच करा पाएंगे, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के तो कंफ्यूजन भरा आंसर आ रहा है, ए बी सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। इस प्रश्न का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि छंद के जो प्रकार होते हैं फ्रेंड वो तीन होते हैं। छंद के जो प्रकार होते हैं फ्रेंड वह तीन होते हैं, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करेंगे फ्रेंड, दोहा, जी हाँ दोहे और रोले, जी हाँ दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरगीतिका, कुंडलिया, शवैया और वैरवी। बताएंगे फ्रेंड, दोहा और रोला छंद को यदि आपस में आप मिला देते हैं तो किस प्रकार के छंद की निष्पत्ति होती है? आंसर कमेंट करके बताएंगे। चार ऑप्शन आपके हैं, हरगीतिका, कुंडलिया, शवैया और वैरवे। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में सीधे तौर से पूछ लिया गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि दोहा और रोला जब आपस में मिलता है तो जो छंद बनता है उसका नाम है कुंडलिया। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग संबंध व काव्य के किस गुण से है? माधुर्य से है, ओज से है, प्रसाद से, या इनमें से कोई नहीं। ट ठ ड ढ जो वर्ण हैं इनका संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर्य है, ओज है, या प्रसाद है, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। चलिए ए ए बी भी आंसर आ रहा है, चलिए तो ए बी आंसर कमेंट कर रहे हैं साथी, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, काफ़ी विलंब आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा, आगे बढ़ेंगे हम। तो इसका जो सही जवाब है ओज, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। ट ठ ड ढ वर्ड जो आपके हैं वो काव्य के ओज की श्रेणी में आते हैं, विकल्प नंबर बी, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाकर देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 18, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। देखिए इसके कुछ पहचान होते हैं फ्रेंड, हमने बताया था आपका ज्यों त्यों, जैसे कि, यदि, अगर, ये सारे अगर बीच में आते हैं तो आपका वह मिश्र वाक्य होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें एक आश्रित वाक्य होता है, इससे जुड़े दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, कि यहाँ पर देखिए आपका एक पहचान का जो शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये बताता है कि यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, प्रलय, दृष्टि या मोक्ष। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए सी आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का मतलब होता है संसार, तो संसार का विलोम क्या होता है? प्रलय। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। जी हाँ, प्रलय विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, यहाँ सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, राम ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो देखिए भैया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आपसे एग्जांपल पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में बताने पर चीज़ें सरल हो जाती हैं, तो बताइएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? आई होप आपके आंसर सही होंगे इतने कहने से ही, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एग्जांपल है यहाँ पर ता है, ती है, ते है। जिस हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, वे आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होते हैं, और रहा है, रही है, कंटिन्यूअस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, परफेक्ट, और उसके बाद अगर रहा है, रही के बाद अगर टाइम होता है तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सिंपल सा पहचान था आपके प्रेजेंट का, तो यहाँ पर देखिए ता है, तब आया है, जाता है, ये आपका है सामान्य वर्तमान काल का, इसलिए डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द का क्या, प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम किस प्रकार का आपका शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय क्या है? आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए आंसर आ गया है ए, ए ए डी भी आंसर आ रहा है, तो ए वालों की संख्या ज़्यादा है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम है फ्रेंड वह भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रेम एक भाव होता है, इसका प्रयोग हम भाववाचक के रूप में ही करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ए द राइट आंसर। संकर शब्द क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ होता है तत्सम, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द।
देखिए संकर का मतलब होता है फ्रेंड कि जहाँ पर दो चीज़ों से मिलकर बना, संकर का मतलब होता है मिलकर बनाना, बनने वाला जो शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी है, ये आपका संकर है, रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी जो होता है ये दो अलग अलग शब्द है, मिलाकर एक शब्द बना है। इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि रेलगाड़ी जैसे कि एग्जाम्पल आप जानते हैं वो आपका संकर है। आगे बात करेंगे पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करिएगा। पाकशाला किस प्रकार की का शब्द है आपका, जल्दी से बताएंगे। पाकशाला 23 के लिए आंसर कमेंट करिएगा पाकशाला। चलिए सी आंसर आ रहा है, योग रूढ़ नहीं है फ्रेंड, पाकशाला यौगिक शब्द आपका फ्रेंड पाक प्लस शाला, जी हाँ पाकशाला। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, जो पाकशाला आपका शब्द है वो यौगिक शब्द है, बी द राइट आंसर। कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, पाकशाला आपका यौगिक शब्द है, जैसे पाठशाला होता है, विद्यालय होता है, विद्यालय आपका होता है जैसे, उसी प्रकार से आपका पाकशाला है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, यह आपका यौगिक शब्द है। किस प्रकार किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, जी हाँ फ्रेंड किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, कमेंट करके बताएंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। अपवाद अप जुड़ा हुआ है, पराजय में परा जुड़ा हुआ है, प्रभाव में प्र जुड़ा हुआ है, ओढ़ना में वो आपका उपसर्ग नहीं है, जी हाँ वो उपसर्ग नहीं है, वो आपका उपसर्ग नहीं है। क्योंकि क्या उपसर्ग क्या होता है, ये मूल शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं, उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर रढ़ाना कहेंगे, रढ़ना अगर वो अगर हटा देते हैं तो ये आपका मूल शब्द बचेगा ही नहीं, ये आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये हमारा सही जवाब है, ओढ़ना में वो आपका प्रत्यय नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है, ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है किस भाषा को, पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या पुरानी बांग्ला को, किस भाषा को ब्रजबोली भाषा के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर कमेंट करिएगा कि ब्रजबोली भाषा के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए आंसर आ रहा है बी डी, जी हाँ ब्रजबोली भाषा के रूप में फ्रेंड पुरानी बांग्ला को जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी द राइट आंसर कि ब्रजबोली के नाम से पुरानी बांग्ला भाषा को जाना जाता है। लिंग की दृष्टि से दही किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। लिंग की दृष्टिकोण से दही आपका किस प्रकार का शब्द है, दही आपका किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड लिंग के दृष्टिकोण से, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। ए बी, चलिए बी आंसर आया है कि लिंग के दृष्टिकोण से दही जो आपका फ्रेंड पुल्लिंग है। याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कन्फ्यूजन सा हो जाता है, इसलिए चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़्यादा हल करने पड़ेंगे, तभी ये सारे डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे कि दही जो आपका फ्रेंड वह पुल्लिंग है। इसमें बहुत सारे आपके रूल हैं, आपको नियम हैं, पढ़ना पड़ेगा, उसको रिविजन करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो दही आपका पुल्लिंग है, याद रखेंगे फ्रेंड। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला को यदि आप तोड़ेंगे तो वर्णों की माला, कैसी माला, बिखरी हुई नहीं, व्यवस्थित माला, जी हाँ बिखरी हुई माला नहीं, व्यवस्थित जो माला होती है उसी को वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, कर्मधार है, द्वंद, बहुव्रीय, तत्पुरुष। रोग पीड़ित यदि आप इसको तोड़ेंगे फ्रेंड तो रोग से पीड़ित, से मतलब आपका तत्पुरुष समास है, जी हाँ कर्ता ने कर्म को करण से, जी हाँ करण तत्पुरुष है आपका, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि रोग से पीड़ित हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे 29 क्वेश्चन की कि निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द बरात, वर्षा, हाथी, आशु, कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द फ्रेंड आपको आंसर करके बताना है। देखिए बरात आपका तद्भव है, बारात जो आपका तद्भव है बारात तस्यम है, जी हाँ इसका तस्यम बारात है। वर्षा यह आपका तस्यम शब्द है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आशु का अश्रु होता है, हाथी का गजह होता है, तो यह यहाँ पर विकल्प नंबर बी हमारा वह बिल्कुल सही जवाब है। वर्षा यहाँ पर तस्यम है, बाकी सारे आपके तद्भव हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा फ्रेंड निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, गढ़, वर्ग, अप्रेस, कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। देखिए लोग
यह समूहवाचक है, गढ़ यह भी समूहवाचक है, वर्ग यह भी समूहवाचक है, प्रेत आपका समूहवाचक नहीं है फ्रेंड, प्रेत आपका समूहवाचक शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, यहाँ पर प्रेस आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा फ्रेंड वो होगा विकल्प नंबर डी। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, आप सभी लोग अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, क्या गलती हुई, क्या सीखा आपने, सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे कल आपसे पुनः इसी क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।